खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि 2018 में हमने एक रिसर्च स्टडी में देखा कि जब लोग शारीरिक खतरा महसूस करते हैं तो वो तीन तरह से रिएक्ट करते हैं, या तो वो जम जाते हैं, या तो वो पीछे हटते हैं, या तो वो खतरे की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिसर्च में देखा गया कि मुसीबत की दिशा में आगे बढ़ना डोपामाइन सर्किट से जुड़ा है, यानी आपको अंदर से अच्छा लगता है जब आप तकलीफ के बावजूद आगे बढ़ते हो, और डोपामाइन रिवॉर्ड सर्किट के कारण खतरे की तरफ आगे बढ़ने की यानी कठिन काम करने की आदत पड़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डेविड कॉगिंस, जो लगातार खुद को टेस्ट करने के लिए, खुद को बेहतर करने के लिए अनकंफर्टेबल होना चाहते हैं। इधर US में भ्रांति फैली हुई है कि स्ट्रेस हमारे लिए बुरा है। जब दिमाग बिल्कुल शांत होगा, जब मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तभी कुछ कर सकता हूँ। बल्कि इसके उलट हमें थोड़े स्ट्रेस की जरूरत है, इसलिए डेडलाइंस इतनी प्रभावशाली होती है। लेकिन हमारे दिमाग में तो कई कहानियां चलती हैं, या तो एक के बाद एक चिंता करते हैं, या फिर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। स्ट्रेस, ओवरथिंकिंग और मंकी माइंड के चलते हम एक लूप में फंसे रहते हैं, जिससे मेंटल एनर्जी गिरती है और हम सही एक्शन नहीं ले पाते। हुबरमैन कहते हैं कि मंकी माइंड से मोटिवेशन तक जाने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। इसके लिए हमें लोगों को दो ग्रुप्स में बांटना होगा। पहला ग्रुप हाइपर अराउज्ड लोगों का है। ये लोग काम करने के लिए खुद टेबल पर बैठ तो जाते हैं, खुद को मोटिवेट करके जिम तो पहुंच जाते हैं, पर मंकी माइंड के कारण यानी इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस के कारण सही से फोकस नहीं कर पाते, जिस कारण बेहतर एक्शन भी नहीं ले पाते और संतुष्टि नहीं मिलती। दूसरा ग्रुप है हाइपो अराउज्ड लोगों का। इस ग्रुप के पास एक्टिवेशन एनर्जी की कमी है, यानी किताब खोलने की और काम शुरू करने की इच्छा भी नहीं होती। तो क्या करें, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? हाइपो अराउज्ड यानी दूसरे ग्रुप के लोगों से शुरू करते हैं। हाइपो अराउज्ड लोगों को नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करने की जरूरत है। दूसरे शब्दों में कहें तो बिना विचलित हुए खुद को जोश से भरने की जरूरत है। पर यह होगा कैसे? इसका जवाब है सुपर ऑक्सीजनेटेड ब्रीदिंग। इस क्रिया को ठीक से किया जाए तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिस वजह से शरीर में अच्छी मात्रा में एड्रेनलिन बढ़ता है। एड्रेनलिन प्राकृतिक रूप से अलर्टनेस और मूड बेहतर करता है। आपको महसूस होता है कि एनर्जी बढ़ गई है। प्रैक्टिस कैसे करना है? सुपर ऑक्सीजनेटेड ब्रीदिंग में हम 1:1 का रेशो मेंटेन करते हैं, यानी जितनी देर में सांस अंदर उतनी देर में सांस बाहर। हमको 1 से 2 सेकंड नाक से सांस अंदर लेना है और 1 से 2 सेकंड में ही मुंह से सांस बाहर करना है। सांस को बेली ब्रीदिंग जैसे डायफ्राम यानी पेट से चलाना है। एक साइकिल में एक बार इनहेल और एक्सहेल आता है। इस तरह हमें 10 साइकिल करने के बाद सांस छोड़कर 40 से 90 सेकंड तक रोकना है। ये हुआ एक राउंड। फिर गहरी सांस लेकर दूसरा राउंड शुरू करना है। ऐसे 3 राउंड करने से सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। हम बड़ी आसानी से अपने अंदर एड्रेनलिन पैदा करते हैं। नोट, लंच के 1 घंटे बाद तक इसे ना करें। दोस्तों, आप प्रैक्टिस करने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको अधिकतम कितना टाइम लगने वाला है? एक राउंड में आते हैं 4 सेकंड की 10 साइकिल और 90 सेकंड का होल्ड, यानी हुए 130 सेकंड। 3 राउंड के हुए 390 सेकंड, यानी मात्र 6.5 मिनट में आप खुद को जोश और एनर्जी से भर सकते हो। जानने वालों को समझ आ रहा होगा कि ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज भस्त्रिका प्राणायाम का मॉडिफिकेशन है, जिसमें नाक से सांस लेते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। भस्त्रिका इंटेंस है, इसमें जीवन शक्ति पर जोर दिया जाता है, जहां पर आप पूरी शक्ति से सांस लेते हो और शक्ति से ही पूरी सांस छोड़ते हो। भस्त्रिका में पूरी सांस छोड़ने पर फोकस रहता है, इसलिए भस्त्रिका खाली पेट सुबह फ्रेश होकर ही करना चाहिए। सुपर ऑक्सीजनेटेड ब्रीदिंग में हम मुंह से सांस छोड़ते हैं। आप थोड़े आराम से छोड़ सकते हो। ये एक रिलैक्स्ड वर्जन है, इसलिए आप इसे दिन में कभी भी कर सकते हो। फिर भी सावधानी के तौर पर खाने के तत्काल बाद ना करें। इस अभ्यास के बाद एड्रेनलिन के बढ़ने से आपकी ऊर्जा और अलर्टनेस का स्तर बढ़ जाता है। अब बारी है ऊर्जा को दिशा देने की, यानी डिस्ट्रैक्शन को ट्रैक्शन में बदलने की। हाइपर अराउज्ड लोग भी इसे कर सकते हैं। फिजियोलॉजिकल साई। नेचर और सेल जर्नल में पब्लिश हुई 2 स्टडीज के अनुसार फिजियोलॉजिकल साई के द्वारा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को शांत करके फोकस को बढ़ाया जाता है। फिजियोलॉजिकल साई सांस लेने की एक टेक्निक है, जिसमें 2 सांसें हैं। पहली सांस आप सामान्य रूप से लेते हो
यानी 2 सेकंड इनहेल करते हो, फिर दोबारा छोटी सांस और अंदर लेते हो। इस बार भी इनहेल 2 सेकंड के बराबर ही रहता है। फिर मुंह से लंबी सांस छोड़ते हो, करीबन 5 सेकंड एक्सहेल। इस अभ्यास को किसी भी समय किया जा सकता है। एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि 1 या 2 राउंड ही काफी है। ये सांस भी डायफ्राम से ही चलानी है, तभी लोअर लंग्स में अच्छे से हवा भरती है। फिजियोलॉजिकल साइज से क्या होता है? हमारी पहली सांस से फेफड़ों में सामान्य फैलाव आता है, लेकिन इसके ऊपर दूसरी सांस से फेफड़ों में एक्स्ट्रा फैलाव आता है। लंग्स पूरी तरह खुलते हैं। गहरी सांस होने के कारण लंग्स खून से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खींच पाते हैं और बाहर जाती हुई सांस के साथ अधिकतम CO2 खून से बाहर निकल जाती है। हुबरमैन कहते हैं कि इस कार्बन ऑफलोडिंग के कारण खून में ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ता है, यानी ब्रेन सेल्स को भी अतिरिक्त ऑक्सीजन मिलती है, जिससे इंसान अलर्ट होता है। कॉग्निटिव एबिलिटी यानी देखने और समझने की क्षमता भी बढ़ती है और फोकस करना आसान होता है। रियल टाइम टूल्स। दोस्तों, ये दोनों टेक्निक सिंपल लगती हैं, लेकिन ये रियल टाइम टूल्स हैं। जिस तरह आप अपनी जेब में पेन लेकर चलते हो और जरूरत पड़ती है तो इस्तेमाल करते हो, वैसे ही आप बिजी लाइफ में इनका बार बार इस्तेमाल कर सकते हो। काम शुरू करने से पहले, थोड़ी देर में ब्रेक लेने के बाद, या जब मन ना लग रहा हो तब आप फिजियोलॉजिकल साय और सुपर ऑक्सीजनेटेड ब्रीदिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। हुबरमैन कहते हैं कि ऑटोनॉमिक का मतलब है ऑटोमेटिक, जो अपने आप चलता हो। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, हृदय, डाइजेशन, लिवर, इंटरनल ऑर्गन्स और हमारी आंतरिक स्थिति को अनकॉन्शियसली नियंत्रित करता है। ये माना जाता है कि इंटरनल ऑर्गन्स और इंटरनल स्टेट को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन ये भ्रांति है। हुबरमैन कहते हैं कि आप जितना सफल लोगों पर रिसर्च करते हो, उतना आपको पता चलता है कि सफल लोग खुद एड्रेनलिन बनाना और नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करना जानते हैं, यानी वो खुद को बहुत जल्दी रिलैक्स कर सकते हैं और कभी भी खुद को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसलिए सफल लोग बोरिंग काम हर दिन कर पाते हैं। वो तरीका क्या है जिससे आप सीधे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर सकते हो? आप लिवर को, पेट को, आंतों को अपनी इच्छा शक्ति से नहीं चला सकते। हुबरमैन कहते हैं कि डायफ्राम वो इंटरनल ऑर्गन है जो विकसित ही इस तरह से हुआ है, जिसे हम अपनी इच्छा शक्ति से चला सके। और ये डायफ्राम दिमाग से रियल टाइम में जुड़ा हुआ है। रियल टाइम यानी दिमाग डायफ्राम की स्पीड मॉनिटर करता रहता है। अगर डायफ्राम धीमे चल रहा है तो शरीर इस समय रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में है। अगर तेज चल रहा है तो नर्वस सिस्टम के साथ पूरा शरीर फ्लाइट और फाइट मोड में आ जाता है। इसलिए डायफ्रामिक ब्रीदिंग का असर एड्रेनलिन, हृदय और लिवर पर होता है। अगर आप डायफ्राम पर कंट्रोल हासिल कर लें तो आप अपने इंटरनल स्टेट यानी माइंड और बॉडी दोनों पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसलिए डायफ्रामिक ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग का अभ्यास आपको ज़रूर होना चाहिए, जो आप दिन में कितनी भी देर कभी भी कर सकते हैं। फोकस से जुड़ी एक और मज़ेदार बात समझिए, एड्रेनलिन और आँखें। हमारी आँखें दिमाग के लिए इतना खास हिस्सा हैं कि एंड्रू हुबरमैन कहते हैं कि हमारी आँखें वास्तव में दिमाग के 2 टुकड़े हैं जो खोपड़ी के बहर चेहरे पर लगे हैं। आँखें 2 काम करती हैं। पहला, लाइट सिग्नल्स का डेटा दिमाग को भेजती हैं। दूसरा बहुत ज़रूरी काम, दिमाग का अराउजल स्टेट यानी एक्टिवेशन लेवल नियंत्रित करती हैं। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं, जब दिमाग शांत होता है तब आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जहां हमारी दृष्टि जाती है वहां हमारा फोकस जाता है। शरीर में एड्रेनलिन की मात्रा बढ़ने से हमारी पुतलियां फैलती हैं, यानी हमारा विजन नैरो होता है। इस समय एक जगह कंसंट्रेट करना या निशाना लगाना आसान है। अगर इस समय किताब के पेज को ध्यान से देखना शुरू किया तो शुरू में आपको थोड़ा एजिटेशन होगा, लेकिन अगर आप यहाँ रुके तो पूरी दुनिया गायब हो जाएगी और आप अपने काम में डूब जाओगे। जैसे आपको साफ पानी में तैरने के लिए किनारे के गंदे पानी को पार करना होता है, वैसे ही शांत मन और फ्लो स्टेट में जाने के लिए सभी को लो मोटिवेशन और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को पार करना पड़ता है। दोस्तों, वीडियो को समराइज करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि आज हमने बहुत प्रैक्टिकल और रियल टाइम टूल सीखा। पहला तरीका हाइपो अराउज स्टेट से बाहर निकलने के लिए, सुपर ऑक्सीजनेटेड ब्रीदिंग, तेज सांस नाक से अंदर और तेज सांस मुंह से बाहर। ऐसा 10 बार करके आखिर में सांस रोकिए, फिर ऐसे 3 राउंड्स कीजिए। इससे एड्रेनलिन लेवल बढ़ता है। दूसरा, फिजियोलॉजिकल साय, इंटरनल डिस्ट्रैक्शन कम करने के लिए
दो बार लगातार सांस अंदर और एक बार बाहर। हुबरमैन कहते हैं कि खुद एड्रेनलिन बनाना सीखो, क्योंकि जो सफल लोग हैं वो अपना ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम खुद नियंत्रित कर सकते हैं, जल्दी खुद को रिलैक्स और फोकस मोड में ला सकते हैं। डीप रिलैक्सेशन के लिए बेली ब्रीदिंग और योगिक ब्रीदिंग भी आना चाहिए, जो आप दिन में कभी भी और कितनी बार भी कर सकते हैं। मुसीबत की दिशा में आगे बढ़ना डोपामिन सर्किट से जुड़ा हुआ है, यानी जितनी बार आप कठिन ऑप्शन चुनोगे उतनी बार आपको अच्छा लगेगा और उतनी बार डोपामिन के कारण ऐसा और करने की आदत पड़ेगी, यानी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो पूरे साल कंसिस्टेंट रहने के लिए 5 मेंटल हैक्स पर वीडियो देखिए, और अपने गोल्स को हैबिट्स और रिचुअल्स में तोड़ने के लिए DVC कैलेंडर का इस्तेमाल कीजिए। आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।